मैं इंद्रजीत कुमार आपका प्रतियोगी गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम लोग आज रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, डैश चैप्टर, ठीक है। जिस चैप्टर से हर एग्जाम में आपका एक या दो प्रश्न रहते ही रहते हैं। आप सीजीएल दीजिए, बैंक पीओ दीजिए, या एसएससी जीडी दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, हर परीक्षा में एक या दो प्रश्न डैश से रहते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम, और एक बार पढ़ने के बाद डाइस आप किसी भी बुक से बनाइए, हर प्रश्न बन जाएंगे आपसे, टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए रूबरू कराते हैं इस चैप्टर से आपको। चलिए तो देखिए, डाइस जो होते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं उसको पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। डाइस और डाइस के टाइप्स कितने होते हैं, आप हिंदी में इसका नाम जानते होंगे, पासा होता है इसका, हिंदी जो होता है पासा होता है, ठीक है। तो देखिए कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डाइस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाइस जो होते हैं, पहला इसका टाइप होता है, पहला टाइप बोले तो होता है सिंगल डाइस, सिंगल डाइस होता है। दूसरा टाइप बोला जाए तो दूसरा इसका टाइप होता है डबल डाइस, डबल डाइस, ठीक है। अगर तीसरा टाइप बोले हम इसका, तो तीसरा टाइप होता है मल्टीपल डाइस, मल्टीपल डाइस। चौथा टाइप होता है इसका फोल्डिंग डाइस, फोल्डिंग डाइस। और एक और टाइप होता है जो कि मैथमेटिकल डाइस होता है, मैथमेटिकल डाइस होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। फाइव जो होगा हमारा मैथमेटिकल, मैथमेटिकल डाइस, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सिंगल डाइस, ठीक है। अब सिंगल डाइस कहने से ही तात्पर्य है कि जिसमें ओनली वन डाइस दिया हो, ठीक है, और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका विपरीत क्या होगा, ठीक है, अपोजिट साइड पूछता है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं सिंगल डाइस, पहला हम लोग देखे ना सिंगल डाइस। अब देखिए सिंगल डाइस में होता क्या है, सिंगल डाइस जो पढ़ेंगे हम लोग, तो सिंगल डाइस में एक डाइस दिया रहेगा आपको, ठीक है, ऐसे सिंगल डाइस दिए रहेंगे आपको। अब सिंगल डाइस में भी होता है दो डाइस, ठीक है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस होता है, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डाइस इसमें, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस का यूज करते हैं ना, ठीक है, वो स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का सबसे परफेक्ट तरीका है, ठीक है, कि आप किसी भी उसमें देखेंगे ना कि किसी भी दो फलक जो होगा अपोजिट साइड वाला, उसका योगफल जो होगा, उसका एडिशन जो होगा, वो 7 के इक्वल टू होगा। जैसे हम देखते हैं कि आप देखते हैं लूडो, थोड़ा सा दिमाग में लेके आइए अपने, ठीक है, जो पासा होता है डाइस होता है उसको दिमाग में लेके आइए आप, तो देखेंगे आप कि 5 के ठीक नीचे 2 होता है, 2 के ठीक नीचे अगर 2 ऊपर आ जाए तो उसके ठीक नीचे क्या होता है, 5 होता है। अगर एक एक हो तो एक का विपरीत पूछा जाए तो एक का विपरीत, उसके ठीक विपरीत जो होता है 6 होता है। अगर हम देखें कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 अगर है तो उसके ठीक विपरीत में क्या होगा, 4 होगा। और अगर 4 का विपरीत देखना है आपको, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। यानी कोई भी दो फलक को अगर हम जोड़ें तो वो 7 के इक्वल टू होगा, 7 के बराबर होगा, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए स्टैंडर्डाइज पहले देखते हैं, जैसे डाइस में 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका 6 लिखा हुआ है। अब हम बोलेंगे कि स्टैंडर्डाइज है कि नॉन स्टैंडर्डाइज है,
तो ये है आपका स्टैंडर्डाइज। क्यों स्टैंडर्डाइज से? अगर दो दिख रहा है यहाँ पे तो क्या आपको पांच दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी बिल्कुल अपोजिट चला गया, छिपा हुआ है, ठीक है, हाइड है वो, तो फाइव नहीं दिख रहा है। डेट मीन से अब फिर थ्री दिख रहा है तो क्या फोर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो फिर स्टैंडर्डाइज है। फिर देखते हैं छः दिख रहा है तो क्या वन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यानी किसी भी दो फलक का योगफल जो होता है सात होता है। और योगफल अब जब सात हो, अगर हो गया अपोजिट साइड का, दोनों विपरीत फलकों का योगफल सेवन हो गया, तो स्टैंडर्डाइज है। अब देखेंगे जोड़ के इसको, ठीक है, हम देख रहे हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है, स्टैंडर्डाइज देख रहे हैं। तो देखते हैं इसमें कि अब जोड़ के देखेंगे आप, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं दो से ही, तो दो आप प्लस तीन, ठीक है, टू प्लस थ्री नॉट इक्वल टू सेवन, यानी दो और तीन जोड़े तो क्या सात के बराबर हुआ? नहीं हुआ। फिर तीन और छह जोड़िए, थ्री प्लस सिक्स नॉट इक्वल टू सेवन, यानी थ्री और सिक्स भी सात के बराबर नहीं हुआ, ठीक है। फिर सिक्स और टू जोड़िए, सिक्स प्लस टू नॉट इक्वल टू सेवन, यानी किसी भी दो फलक का योगफल सेवन नहीं है, तो कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें पूछेगा, ठीक है, कि दिए हुए डाइस में विपरीत फलक बताइए, किसी का भी विपरीत पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप चार का विपरीत बता दीजिए, चार का अपोजिट बताइए, चार का विपरीत बताइए, ठीक है, विपरीत बताएं। इसके बाद ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि आप छः का विपरीत बताएं, छः का विपरीत बताएं, देखते हैं, छः का विपरीत भी बता सकते हैं आप, यानी किसी का भी विपरीत पूछे तो आप बता सकते हैं। देखिए चार का विपरीत अगर बताना है आपको कि चार का विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो चार का विपरीत जो होगा क्या कर लेंगे हम, सेवन में से माइनस कर लेते हैं, तो सेवन माइनस फोर इक्वल टू कितना आया? थ्री, यानी चार का विपरीत क्या होगा? तीन। अगर आपको निकालना है छः का विपरीत, तो छः का विपरीत क्या होगा? तो सात में से आप छः को घटा लीजिए, कितना आएगा? वन, ठीक है। यानी अगर स्टैंडर्ड डाइस से किसी भी फलक को जोड़ रहे हैं, किसी भी दो फलक को जोड़ रहे हैं, और सेवन के इक्वल टू सेवन के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। सबको मिला के देखेंगे पहले कि दो प्लस तीन जोड़ेंगे तो सात के बराबर नहीं हुआ, तीन प्लस छः जोड़ेंगे सात के बराबर नहीं हुआ, छः प्लस दो जोड़ेंगे सात के बराबर नहीं हुआ, तो कौन सा डाइस हो गया? स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब स्टैंडर्ड डाइस में आपसे पूछा जाए, ठीक है, अपोजिट पूछा जाए या सामने पूछा जाए, जो भी पूछा जाए आपसे, ठीक है, आप ओनली सेवन में से माइनस कर लेंगे उसको, जिसका पूछा जाए उसी को सेवन में से माइनस करेंगे। हम चार का विपरीत पूछा जा रहा है तो चार को सेवन में से माइनस किए थ्री आ गया, छः का विपरीत पूछा जा रहा है तो सात में से छः माइनस कर लेंगे तो वन आ गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो स्टैंडर्डाइज तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, देखिए नॉन स्टैंडर्ड देखते हैं फिर। तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज में क्या होगा, यानी इसमें कोई भी क्रम का ख्याल नहीं रखा जाता है, नॉन स्टैंडर्डाइज में कोई भी क्रम का ख्याल नहीं रखा जाता है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज होगा तो क्रम का ख्याल इसमें नहीं रहेगा, जैसे कहीं का कहीं, यानी दो अगर आपको सामने मिल गया तो दो के बगल में ही फाइव मिल जाएगा, ठीक है, अपोजिट उसमें आपको दो जोड़ने के बाद, यानी अपोजिट साइड दो अपोजिट साइड जोड़ने के बाद आपका सात के बराबर सेवन के इक्वल टू नहीं होगा, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे ही डाइस देखिए, जैसे ही डाइस देखते हैं हम, देखिएगा अब इसमें लिखा हुआ है यहां पे पांच, यहां पे लिखा हुआ है फाइव, यहां पे लिखा हुआ है थ्री, यहां पे लिखा हुआ है फोर। अब देखते हैं इसको स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, तो क्या करेंगे? फाइव प्लस थ्री जोड़ के देखेंगे, तो फाइव प्लस थ्री नॉट इक्वल टू सेवन, तो ये तो हो रहा है। फिर तीन और चार जोड़िए तो थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन हो गया, यानी किसी भी दो फलक का योगफल अगर सेवन हो गया तो नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। फिर
अब आगे जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी जोड़िएगा 4 अब प्लस 5, ठीक है। तो इन नॉट इक्वल टू 7 के इक्वल टू तो होगा, बट किसी भी दो फलक का योगफल 7 हो गया तो क्या हो गया, नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब इसमें किसी का भी विपरीत पूछा, जैसे आपसे पूछ दे कि एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत क्या होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें दिख क्या रहा है आपका, तो दिख रहा है 3 4 और 5, 3 4 5 दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आपका एक नहीं दिख रहा है, फिर दो नहीं दिख रहा है, फिर क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, यानी 1 2 6 का विपरीत पूछे, इसमें से किसी का विपरीत पूछे, तो इसमें से आपका 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। एक का विपरीत भी 3 4 या 5, एक का विपरीत वाली पूछा जाए तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। दो का विपरीत पूछे तो 3 या 4 या 5, अगर आपसे 6 का विपरीत पूछे तो आपका 6 का विपरीत 3 या 4 या 5, क्योंकि इसमें डिफिनिट है ही नहीं, क्रम का ख्याल नहीं रखा गया। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि जो हाइट है, तो हाइट इसमें क्या है, एक ये तो हाइट वाला ही है ना, 1 2 6, ठीक है। अगर ओनली पूछा जाए कि जो दिख रहा है, यानी 3 का विपरीत आपसे पूछ दे, 3 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें हाइट क्या क्या है हमारे, 1 या 2 या 6, यानी 3 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, समझ रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे कि 4 का विपरीत बताइए, तो आप 4 का विपरीत, ठीक है, क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यानी जो दिख रहा है उसका विपरीत पूछे तो जितने भी हाइट हैं, ठीक है, वो सब में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई क्रम का ख्याल नहीं रखा गया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद समझ गए होंगे, हमें आशा है कि आप स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज समझ गए होंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं डबल डाइस। अब डबल डाइस में क्या होता है कि इसमें देखिए, डबल डाइस देखिए, तो डबल डाइस में भी हमें 4 टाइप्स का डाइस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डबल डाइस में भी। अब डबल डाइस में जो होगा हमारा, ठीक है, 4 टाइप्स कौन कौन से होंगे उसको लिख रहा हूं मैं। इसमें पहला होगा, ठीक है, वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन होगा। दूसरा जो होगा इसका, टू फेस कॉमन, टू फेस कॉमन। और थर्ड जो होगा, ठीक है, नो कॉमन, ठीक है, नो फेस कॉमन, नो फेस कॉमन। चौथा जो आएगा आपका, ठीक है, चौथा जो होगा आपका कंडीशनल, कंडीशनल। तो पहला वन फेस कॉमन में क्या देखेंगे हम लोग, कि वन फेस यानी डबल डाइस तो पढ़ रहे हैं हम, तो डबल डाइस मतलब दो डाइस दिए रहेंगे और उसमें कोई ना कोई वन फेस जो होगा कॉमन होगा, ठीक है। और टू फेस कॉमन में क्या होगा कि कोई ना कोई टू फेस कॉमन होगा, नो फेस कॉमन यानी कोई फेस कॉमन नहीं रहेगा कंडीशनल में, ठीक है, कंडीशन कोई दिया रहेगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग वन फेस कॉमन, ठीक है, पहला देखते हैं वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन, वन फेस कॉमन। तो वन फेस कॉमन डबल डाइस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें दो डाइस दिए रहेंगे आपको, ठीक है, ऐसे। अब देखिए, हम लोग सिंगल डाइस इसके पहले ना कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड उसमें देख रहे थे कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, लेकिन जब डबल डाइस में चलेंगे तो आपको कुछ नहीं देखना है कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसमें कोई क्रम का ख्याल नहीं रखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 4 3, 1 6 3। अब आपसे इसमें पूछा जाए, ठीक है, कि
इसमें तीन का विपरीत क्या होगा, या दो का विपरीत क्या होगा, छह का विपरीत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं। पांच का विपरीत क्या होगा, तो इसमें स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड डाइस का कंसेप्ट भूल जाना है, आपको सीधे तौर पे आंसर बताना है, ठीक है। और देखिए इसमें आपको बताना है, अब सबसे पहले डबल डाइस दिया रहे, अब वन फेस कॉमन हो तो क्या करते हैं कि जो कॉमन है दिख रहा है आपको, ठीक है, उसको पकड़ के आप एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज नचा दीजिए, ठीक है। तो इसको हम नचा रहे हैं, ठीक है, क्लॉक वाइज। तो थ्री के बाद क्या आएगा, क्लॉक वाइज टू आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, टू के बाद क्या आएगा, तो टू के बाद आएगा आपका फोर आएगा, ऐसे आएगा ना, ठीक है। अब देखिए थ्री इसमें भी क्लॉक वाइज नचा रहे हैं, टू के बाद थ्री के बाद वन, और वन के बाद फिर क्या होगा, सिक्स होगा। यानी कॉमन क्या है हमारा, थ्री है कॉमन, ठीक है। और थ्री के बाद इसमें क्या हो रहा है, टू फोर, टू फोर, इसमें थ्री के बाद थ्री वन सिक्स, थ्री वन सिक्स। अब देखिए इसमें हो गया क्या कि फोर का जो विपरीत हुआ छः, और छः का विपरीत चार, ठीक है, दो का विपरीत एक, एक का विपरीत दो, और तीन जो है कॉमन है, ठीक है, ये तो कॉमन है ना हमारा, तो इसका विपरीत बताना है आपको। तो क्या इसमें हाइट है, इस डाइस में क्या हाइट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो एक दिख ही रहा है, दो दिख ही रहा है, तीन दिख ही रहा है, चार दिख ही रहा है, और पांच नहीं दिख रहा है, छह तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो पांच नहीं दिख रहा है, यानी जो पांच नहीं दिख रहा है वही कॉमन का विपरीत, ठीक है, कॉमन का विपरीत हिडन हो जाता है, मतलब जो छिपा हुआ है। तो चार का विपरीत छह, दो का विपरीत एक, तीन का विपरीत पांच। अब आपसे पूछा जाए कि तीन का विपरीत क्या होगा, तो आप बता सकते हैं कि पांच होगा। पांच का विपरीत क्या होगा, तीन होगा। दो का विपरीत क्या होगा, एक होगा। एक का विपरीत क्या होगा, दो होगा। छह का विपरीत क्या होगा, चार होगा। ऐसे आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा आपसे, एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे एक डाइस दिया हुआ है, डबल डाइस यानी वन फेस कॉमन ही है। आपको ये प्रश्न में नहीं दिया रहेगा कि वन फेस कॉमन का है ये, ठीक है, वैसा कुछ नहीं दिया रहेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा क्या है कॉमन इसमें, ठीक है। एक छ चार, चार तीन दो, तो आप इसमें बताएं हमें, ठीक है, कि पांच का विपरीत क्या होगा। पांच का विपरीत बताना है आपको, ठीक है, और फिर आपको बताना है दो का विपरीत क्या होगा, ये दोनों बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ भी चार है, यहाँ भी चार है, तो बस। अब चार के बाद कहाँ चलेंगे, दो, इसके बाद कहाँ चलेंगे, क्लॉकवाइज ही ना चाह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। आप दोनों को तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दोनों डाइस को एंटी क्लॉकवाइज ना चाहिए, ठीक है, तो एंटी क्लॉक वाइज ना चाहिए, अन्य तो क्लॉकवाइज नचाना चाहते हैं, तो दोनों को क्लॉकवाइज कीजिए। तो चार के बाद तीन, तीन के बाद दो, तो ऐसे आता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि चार, चार के बाद क्या हो रहा है, एक, एक के बाद क्या हो रहा है, छः, इसमें चार, चार के बाद क्या हो रहा है, तीन, तीन के बाद क्या हो रहा है, दो। यानी चार का छः का विपरीत दो, दो का विपरीत छः, एक का विपरीत तीन, तीन का विपरीत एक, और चार इसमें देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, तो कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन होता है। तो इसका हिडन क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, एक दिख रहा है, दो दिख रहा है, तीन दिख रहा है, चार दिख रहा है, इसमें पांच नहीं दिख रहा है, तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच। अब इसमें से कुछ भी पूछा जाए आपसे कि छह का विपरीत क्या होगा, बता दीजिए, तो छह का विपरीत दो होगा, और दो का विपरीत छह होगा, ठीक है। पांच का विपरीत पूछा जा रहा है, तो कॉमन का विपरीत हिडन, यानी पांच का विपरीत क्या हो रहा है, चार, चार का विपरीत पांच, तो पांच का विपरीत चार। ऐसे आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, वन फेस कॉमन से। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन, तो टू फेस कॉमन में देखते हैं, टू फेस कॉमन में होता क्या है कि इसमें भी दो डाइस ही दिए रहते हैं, ठीक है, डबल डाइस ही है। टू फेस कॉमन में दो डाइस दिए रहेंगे आपको, और इसमें बताने होंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे दो कॉमन होगा, यानी टू फाइव सिक्स थ्री, ठीक है,
6 5। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहे हैं आपको? कॉमन दिख ही रहे हैं, इधर भी 5 6 है और इधर भी 5 6 है, ये नहीं दिख रहे हैं कॉमन। अब आपसे पूछा जाए क्या बचा इसमें, तो बचा आपका 2 और 3, यानी 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा, 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2। ऐसे सीधे सीधे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन हम आपको फिर देते हैं, देखिएगा। डाइस हुआ, इसमें लिखा 3 1 6 2 1 6। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है, अब देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। तो 1 6 इधर दिख रहा है, इधर भी 1 6 दिख रहा है, यानी हमारा 2 फेस कॉमन है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? तो आपसे पूछा जाए कि 3 का विपरीत आप बताइए, 3 का विपरीत बताइए, तो क्या होगा? तो 3 का विपरीत जो होगा, ठीक है, 2 आंसर हो जाएगा। और 2 का विपरीत पूछे तो फिर 3 आंसर हो जाएगा। अगर देखिए कॉमन का विपरीत हिडन, यानी 1 या 6 का विपरीत पूछिए, 1 या 6 का विपरीत पूछे कि उसका विपरीत क्या होगा, तो कॉमन है ना 1 और 6, और 2 और 3 आपस में विपरीत हो ही गए हैं, तो क्या क्या हमारा नहीं दिख रहा है इस डाइस में, दोनों डाइस में? तो 1 तो नहीं दिख रहा है 4, और 1 नहीं दिख रहा है 5, 4 और 5 नहीं दिख रहे हैं, तो 1 और 6 कॉमन है। अभी पहले हम लोग जान चुके हैं कि कॉमन का विपरीत हिडन होता है, तो 1 और 6 का विपरीत 4 या 5 होगा। अगर 5 या 4 या 5 का विपरीत पूछ दे आपसे, 4 या 5 का अपोजिट पूछ दे, तो क्या होगा? 1 या 6 होगा। समझ में आ गया होगा? चलिए इसके बाद देखते हैं हम फिर। 2 फेस कॉमन हो गया, अब नो कॉमन में क्या होता है, ठीक है? थर्ड में पढ़े हम नो कॉमन, नो फेस कॉमन। नो फेस कॉमन हो तो इसमें कैसे करेंगे हम, ठीक है? एक भी फेस कॉमन नहीं हो, तो एक भी फेस जब कॉमन नहीं हो तो आपके पास करना क्या होता है, देखेंगे हम। एक डाइस इधर हम बना रहे हैं, ये डाइस है आपका। अब देखेंगे इसमें, इसको क्या बोलेंगे हम, एकदम फ्रंट पे है तो इसको बोलेंगे सामने, ये क्या है? ऊपर है, ठीक है? इधर देखिए ये दाएं है, ठीक है? इधर क्या है हमारा? बाएं होगा, बाएं हाथ की तरफ बाएं होगा। अब फिर ऊपर के जस्ट नीचे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नीचे। अब देखिए सामने के ठीक अपोजिट क्या होगा? पीछे। तो ऐसे हमारे डाइस का कंडीशन होता है कि ऐसे सरफेस दिया जाता है। और डाइस में सरफेस कितने होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक डाइस में सरफेस की संख्या कितनी होती है। तो डाइस में सरफेस कितना होता है? तो सरफेस जो होता है आपका, डाइस में सरफेस की संख्या यानी सतह की संख्या होती है 6, ठीक है? इसमें किनारे कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, ठीक है? तो किनारों की संख्या होती है 12। अगर डाइस में पूछा जाए, ठीक है, कि कॉर्नर कितने होते हैं यानी शीर्ष कितने होते हैं, तो कॉर्नर की संख्या कितनी होगी? कॉर्नर की संख्या होती है 8। इसको भी याद रखेंगे आपकी सरफेस यानी सतह की संख्या 6, एज यानी किनारे की संख्या 12, कॉर्नर कितने होंगे? 8 होंगे, शीर्ष होंगे 8। अब देखिए डाइस नो फेस कॉमन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2 3 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 6 1। अब आपसे पूछा जाए इसमें विपरीत, ठीक है, कि 2 का विपरीत बताइए, तो इसमें सामने क्या दिख रहा है? 2, इसमें सामने क्या दिख रहा है? 4, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। अगर इसमें ऊपर क्या दिख रहा है? 3, इसमें ऊपर क्या दिख रहा है? 6, तो 6 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 6, यानी ऊपर का विपरीत ऊपर ही हो जाता है। अगर देखिए इसमें क्या दिख रहा है? 1, इसमें क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? 5, इसमें दिख रहा है 1, यानी 5 का विपरीत पूछा जाए तो 1, एक का विपरीत पूछा जाए तो 5, ऐसे करके आप आंसर बता सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और रहा हमारा कंडीशनल, तो कंडीशनल देखते हैं।
फोन नंबर टाइप हम बताए थे कि कंडीशनल होता है, कंडीशनल। तो कंडीशनल में क्या होता है कि दो डाइस इसमें भी दिए रहते हैं, ऐसे दो डाइस रहेंगे, ठीक है, दो डाइस रहेंगे और इसमें पूछा जाएगा आपसे प्रश्न, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहे कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 1 ऐसे दिया हुआ है। अगर इसमें दे दिया, कंडीशन दे देता है कि यदि, ठीक है, 3 का विपरीत, 3 का अपोजिट, 3 का विपरीत 5 हो तो, 5 हो तो ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर एक, ठीक है, कि 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। नंबर 2, 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, ऐसे पूछा जाए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हम 3 का विपरीत क्या दे दिया हमें, 5, यानी 3 यहाँ है, यहाँ 5 है। अब इसको क्लॉकवाइज, जैसे हम लोग वन फेस कॉमन वाला नचा रहे थे ना, वैसे ही इसको क्लॉकवाइज आप या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डाइस को नचा दीजिए। तो 3 के बाद होगा क्या, 4, और 4 के बाद क्या आएगा हमारा, 4 के बाद आएगा 2, फिर इसको नचाइए आप, ठीक है। 5 के बाद क्लॉकवाइज 6, और 6 के बाद क्या होगा, 1, ऐसे करके नचा देना है आपको, ठीक है। तो देखिए नचाने के बाद, यानी इसको लिखेंगे हम, तो 3 4 2, इसके बाद इधर क्या हो रहा है, 5 6 1, यानी 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3, ऐसे करके हमारे आंसर आ जाएंगे। अब जो भी पूछा जाए, 4 का विपरीत पूछा जा रहा है तो 4 का विपरीत आप बताइए, 6 आंसर होगा। आपसे पूछा जा रहा है 6 का विपरीत बताइए, तो 6 का विपरीत 4 आंसर होगा। अगर पूछा जा रहा है कि 1 का विपरीत बताइए, तो 1 का विपरीत 2 आंसर होगा। तो ये हुआ हमारा कंडीशनल डाइस। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल डाइस, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल डाइस और फोल्डिंग डाइस के साथ, ठीक है, धन्यवाद।